नमस्कार, मैं अजीत कुमार। अभी मैं औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के इटवा पंचायत के वार्ड नंबर 6 में हूँ। मनरेगा के अंतर्गत नली गली बनाने का सरकारी प्रावधान है। आप देख सकते हैं नाली की स्थिति कितनी खराब है कि हमारे साथ ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नाली की ना होने से उनको क्या क्या समस्या हो रही है। घर के ये जो नली है, अच्छा, ये 35-40 वर्ष पुराना है। अच्छा। बना था उस वक्त, शहर का पानी निकल नहीं रहा है, एकदम नली में जाम है। किसी का तो टंकी का पानी जस्ट ओवरफ्लो हो गया है। अच्छा। ये बताइए कि इसके लिए आपने कभी प्रयास किया है कि यहाँ पे नाली नहीं है, टूटी फूटी है, बन जाए? वैसे भरवली मुखिया लोग को, वार्ड लोग को थोड़ा सा कहा गया था, लेकिन वो लोग एक्शन नहीं लिया। वो लोग चाहता है कि हम लोग से होने लायक नहीं है। यहाँ पे नाली खराब है, यहाँ पे लगभग कितना आबादी है? 22 घर है। 22 घर हैं। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि नली बनना अनिवार्य है, इसलिए कि इतनी गंदगी है, घर से पानी निकल रहा है, दूसरे मच्छर का प्रकोप है, मच्छर बनने से बीमारी तो बढ़ेगा ही। तो हम लोग यही चाहते हैं, जितने भी हैं हम लोग घर वाले हैं सब, बन जाएगा तो बीमारी से दूर रहेंगे, हम लोग स्वस्थ रहेंगे। नली का सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ हर घर का नाली नाला के अंदर चला गया है। अच्छा। जो कि यहाँ बीमारियों का संभावना सबसे ज़्यादा अधिक बढ़ रहा है, और निकासी तो बिल्कुल ही नहीं है। ये समस्या कब से है, बता सकते हैं? ये समस्या करीब करीब 5-6 साल से है। 5-6 साल से है जी। अच्छा, इसके लिए आपने कभी प्रयास किया? हाँ, प्रयास किया था, कई बार वार्ड सदस्य को भी इंगित किया था, उनको कई बार बोला भी गया है, गांव के जनता लोग भी बोले हैं, फिर भी कोई उसका कोई सुनवाई नहीं है, न कुछ बोलता है, नहीं देखने आता है। अभी हाल फिलहाल देख लीजिए कि नाली का क्या स्थिति है, घर का नाली में पानी जा रहा है, मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार से क्या मांगे आपकी? मांग यही है कि जल्द से जल्द निवारण हो, नाली का निर्माण हो। है कि नाली का पानी मैंने सब घर में जा रहा है, निकले कि ना है। अच्छा, नाली कब बना था? 30-40 के पहले। 30 साल या 40 साल पहले बना था। ये बताइए कि नाली से आपको दिक्कत क्या क्या हो रहा है? यह है कि सब गंदगी मैंने घर में जा रहा है, गंदगी जा रहा है घर में, मैंने नाली का पानी वापस लौट के जा रहा है घर में, वापस मैंने चल जाए थे घर में। अच्छा, इसके लिए अपने वार्ड को कहा था या मुखिया को इस बात के लिए कि हमारे गांव में इस तरह का समस्या है, या कोई भी आपके घर के परिवार कोई भी? सब मैंने कहले हल्ती कि मन ना कि मैंने नाली की सफाई मैंने करो, चाहे बने के लिए ना, मैंने ना अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो क्या सरकार से क्या मांगे आपकी? ये है कि नली मैंने बन जाके चाहिए, निकाल मैंने निकल जाके चाहिए, पानी आना में से घर में से आओ। हमने इस समस्या का समाधान के लिए एक अप्लीकेशन लिखा। अप्लीकेशन लिखने के बाद हमने मुखिया जी के पास गए और उनसे आग्रह किया कि जल्द से जल्द नाली बनवाने का कृपया प्रदान करें। इटवा पंचायत के वार्ड नंबर 6 में नाली की बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या है कि नाली के पानी घर के अंदर जा रहा है, इसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं? पहला था नल जल और दूसरा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में हमारा सब चीज़ आ जाता है, नली गली हो या हॉस्पिटल वगैरह जो भी है, उप स्वास्थ्य केंद्र जो भी है। हम चाहेंगे कि 2 साल के अंदर हमारे ग्राम पंचायत इटवा में नली का समस्या नहीं होगा, क्योंकि सरकार हम लोगों का जो बजट बना के दे रही है वो बजट तो हम लोग पेश कर रहे हैं, लेकिन उतना भी पैसा नहीं दे रही है कि हम सारे समस्याओं को हल कर देंगे। लेकिन एक चीज़ है जो अति आवश्यकता है, उसको हम पूर्ण करने का काम करेंगे। मेरा वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अजीत कुमार, औरंगाबाद बिहार, इंडिया हट के लिए।